तो आज एक्सरे कैसे पढ़ना है वो देखेंगे। अब एक्सरे में बहुत सारे टाइप के एक्सरे हम करते हैं, लेकिन आज सिर्फ चेस्ट एक्सरे के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन हम चेस्ट एक्सरे ही करते हैं। तो एक्सरे में हम देखते हैं कि एक्सरे चेस्ट एपी व्यू लिखा रहता है या फिर पीए व्यू लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है? एपी का क्या लॉन्ग फॉर्म है? एंटेरो पोस्टेरियर। और पीए का मतलब क्या है? पोस्टेरो एंटेरियर। मतलब अगर आदमी खड़ा है तो रेज का डायरेक्शन क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि ये कैसेट डालते हैं बच्चे के नीचे और ऊपर से लाइट लगाते हैं, है ना, वो अपना एक्सरे मशीन से बीम देते हैं। तो ये जब बच्चा सिक रहता है तो हम बच्चे का ऐसे करते हैं। जब अगर हेल्दी पेशेंट है, एम्बुलेटरी है, तो उसका कैसे करते हैं चेस्ट एक्सरे? उसको ऐसे चेस्ट ये कैसेट ऐसे पकड़ने के लिए लगाते हैं और पीछे से ये देते हैं। पीछे से क्या बीम आता है एक्सरे मशीन का, तो इससे क्या होता, इससे जब आप पकड़ते हो तो जो हार्ट है वो कैसेट के पास में रहता है, जिससे उसका साइज नॉर्मल आता है ना। और यही कैसेट जब अपन पीछे रखते हैं तो हार्ट कैसेट से दूर हो गया, तो कैसेट पे जो एक्सरे निकलेगा उसमें हार्ट का साइज बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर समझो ऐसे देखो, अभी ये मेरा थंब जो है कैसेट से दूर है तो ये अपने साइज से बड़ा दिखेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पास में लेके जाऊंगा ये बराबर एप्रोप्रिएट साइज का दिखेगा। जितना मैं इसको कैसेट से दूर लेते जाऊंगा ये इतना उसका साइज बड़ा बड़ा दिखते जाएगा, तो वो रिलायबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए जब भी हम पीए व्यू लेते हैं इस तरीके से तो हार्ट का साइज एप्रोप्रिएट मिलता है। जब आप कैसेट पीछे रख के सामने से एक्सरे लेते हैं तो हार्ट का साइज बड़ा दिखता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें हम कार्डियक शैडो पे, कार्डियोमेगैली पे कमेंट नहीं कर सकते। अब कार्डियोमेगैली क्या है वो भी समझेंगे। दूसरा, जब आप कैसेट ऐसे पकड़ते हो तो आपके जो स्कैपुला है वो ऐसे रोटेट हो जाते हैं, है ना, और स्कैपुला रोटेट हो जाने के कारण वो लंग्स के फील्ड में नहीं आते, तो लंग्स अच्छे से दिखते हैं। तो ये फ़र्क होता है अपना एक्सरे चेस्ट एपी व्यू में और पीए व्यू में। पीए व्यू में कैसेट आगे रहेगी और पीछे से रेज आएंगे, और एपी व्यू से कैसेट पीछे रहेगी आगे से रेज आएंगे। और जब भी हम एपी व्यू करते तब कार्डियोमेगैली पे कमेंट करना मुश्किल रहता है। बहुत ही बड़ा हार्ट है तो हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर लाइन है तो ऐसे में हम कमेंट नहीं कर सकते। तो शुरुआत में एक्सरे चेस्ट कैसे करना है, पहले नॉर्मल एक्सरे समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अबनॉर्मेलिटी भी समझेंगे। तो एक नॉर्मल एक्सरे कुछ ऐसा दिखता है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं और कैसे कैसे इसको रीड करना है। तो सबसे पहले तो मार्किंग देखना है, मार्किंग है कि नहीं है। अब ये राइट मतलब किसका राइट? पेशेंट का राइट है। ऐसा समझना है कि पेशेंट आपके सामने बैठा है और आप उसको देख रहे हो, है ना, तो ये पेशेंट का राइट है, ठीक है। और इधर के जो भी पैथोलॉजीज है वो राइट साइड के पैथोलॉजीज रहेंगे, इधर के जो रहेंगे वो लेफ्ट साइड के रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे लीवर दिखता है अपने को, ये शेडो जो रहती है लीवर की रहती है, तो राइट साइड में लीवर रहता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे गैस दिख रही छोटी सी, ये स्टमक बबल बोलते हैं इसको, स्टमक की गैस है, है ना, तो ये यहाँ पे दिखती। क्लेविकल्स आपको यहाँ पे बीच में दिखते और ये हार्ट दिखता है और ये लंग्स दिखते हैं इस हिसाब से। इसके अलावा हमको कुछ बोन्स दिखते हैं, रिब्स दिख रहे हैं, क्लेविकल दिख रहे हैं और ह्यूमरस के अपर हेड दिख रहा है ना। बहुत से एक्सरे में बाकी चीज़ें भी दिखते, तो ये हमारा नॉर्मल एक्सरे इस तरीके से दिखता है। जब भी एक्सरे को रीड करते हैं तो हमको बोलना है कि दिस इज एक्सरे चेस्ट एपी व्यू, या तो एपी व्यू, पीए व्यू रहा तो पीए व्यू। पीए व्यू इसमें देखेंगे तो ये स्टमक शैडो हमको अच्छे से दिखती है। एपी व्यू जनरली जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं, न्यूबॉर्न ही नहीं, अगर बड़े भी हैं, उसका अगर हम एक्सरे निकालेंगे तो कैसे लिटा के, है ना, पीठ के नीचे ये डाल देते हैं कैसेट, ऊपर से लेके एक्सरे लेते हैं, तो उनका एपी व्यू रहता है मोस्टली। खड़े होके जो लेते हैं उसको पीए व्यू रहता है, तो वहाँ पे हमको स्टमक में शैडो दिखता है। क्लेविकल मोस्टली इस पोजीशन में देते हैं। एपी व्यू में बहुत बार ये क्लेविकल ऊपर भी दिखेंगे आप, ठीक है। और जैसे अगर इसमें हम देखते हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसमें टिल्टिंग या रोटेशन तो नहीं है। अब टिल्टिंग और रोटेशन मतलब क्या? ये अगर पेशेंट ऐसा खड़ा रहना चाहिए तो वो ऐसा हो गया। बहुत बार बच्चा हिल जाता है एक्सरे निकालते वक्त, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो ऐसा हिल जाएगा। दिस इज रोटेशन, है ना, दिस इज रोटेशन। और इस तरीके से जो हो जाता है पेशेंट, दिस इज टिल्टिंग।
है ना। तो टिल्ट ऐसा हो गया बच्चा तो क्या होगा, यहाँ के क्राउडिंग दिखेंगे, यहाँ पे अपने को ज़्यादा एक्सपांडेड दिखेगा, स्पाइन थोड़ा सा कर्व दिखेगा, है ना। तो वो हो गया टिल्टिंग, और रोटेशन मतलब ऐसा हो गया बच्चा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ये साइड पास में आ जाएगी, ये साइड दूर चली जाएगी, तो अपने को अनइक्वल दिखेगा, है ना। हो सकता है हार्ट आपको अलग ही दिखे, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल तो है नहीं, एक्सरे अपना टू डायमेंशनल है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चा रोटेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए हमने देखना है ये जो शेडोज है, ये इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। जो वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस है वो सेंटर में पकड़ते हैं हम, और इससे दोनों क्लेविकल का डिस्टेंस देखना है। अगर समझो ये बीच का स्पाइनस प्रोसेस है ना, और ये हेड और ये हेड, इसके बीच का हमको डिस्टेंस देखना है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब पेशेंट लेफ्ट साइड में रोटेट हो गया है, और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब पेशेंट राइट साइड में रोटेट हो गया है, तो उसमें से आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, खास करके हार्ट के साइज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि स्पाइनस प्रोसेस अगर बीच में है तो ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल बराबर है या नहीं है। जैसे ये एंड देखेंगे आँख पे, तो ये मीडियल एंड है क्लेविकल का, यहाँ पे ये मीडियल एंड है और ये स्पाइनस प्रोसेस है, तो ये दोनों भी इक्वी डिस्टेंस है उससे, इसका मतलब इसमें रोटेशन है क्या? नहीं। तीसरा, अगर टिल्टिंग है तो एक साइड में क्राउडिंग दिखेगा, स्पाइन हमको थोड़ा सा ये दिखेगा, तो वो भी चीज़ उस पर हम कमेंट करेंगे कि टिल्टिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हमने सेंट्रल है के देख लिया। अभी इसमें कुछ चीज़ें हमको देखनी है जो मार्किंग दिखते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। बहुत से लोग पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ आते हैं कि दिस इज एक्सरे चेस्ट, बोन्स लुक्स नॉर्मल, सबक्यूटेनियस फैट्स, फैट लुक्स नॉर्मल, बोनी केज इज नॉर्मल, लंग फील्ड्स आर लाइक दिस, और फिर बाद में हार्ट में आते। और कोई लोग उल्टा करते है ना, वो सबसे पहले ट्रकिया से शुरू करते कि ट्रकिया ऐसा ऐसा है, कार्डियक शेडो ऐसे है, एंगल्स ऐसे है, लंग फील्ड ऐसे है, थोरैसिक केज ऐसा है, बोन ऐसे है, दोनों भी सही है, ठीक है। अब ये अप्रोच क्यों बनाया, क्योंकि क्या होता है कभी अगर समझो यहाँ पे आपको निमोनिया दिख गया, तो हम क्या बोलते हैं, निमोनिया है, छोड़ देते एक्सरे, हो सकता है उसमें साथ में फ्रैक्चर भी हो, है ना। तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये निमोनिक्स बनाया है। बहुत से लोग ABCD भी याद रखते हैं, है ना, एयरवे, बोन्स, कार्डियक, डायफ्राम, इस हिसाब से भी याद रखते, पर सिंपल तरीका रखते हैं कि हम सेंटर से पेरीफेरी की तरफ से रीड करने का। अब एक्सरे में देखने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें इमेजिन भी करनी पड़ती हैं, है ना। जैसे हम बादल में देखते तो अलग अलग आकार दिखते, कभी देखे क्या बादल की तरफ, वैसे आकार ढूंढने पड़ते इसके अंदर, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे काला हिस्सा दिख रहा है, कैसा, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं। ये देखो यहाँ से ऐसा ब्लैक एरिया दिख रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, दिख रहा है अभी, दिखेगा, दिख रहा अभी, ये देखो ये यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, दिखा, ये है हमारा ट्रकिया। तो ये ट्रकिया है और ये राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस। अब राइट ब्रोंकस देखे तो ये सीधा जाता है इधर में, है ना, इसका जो दिखता है अगर यहाँ से कुछ डाला तो डायरेक्ट इधर जाने के चांसेस ज़्यादा है इधर जाने के बजाय, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सीधा रहता है इस केस में, इसलिए राइट साइड के एस्पिरेशन ज़्यादा रहते। बोलते ना बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया, एस्पिरेट कर लिया, एस्पिरेट कर लिया, और उसका एक्सरे देखोगे तो राइट साइड का मोस्टली ज़्यादा खराब रहता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये इसका कारण रहता कि राइट साइड का ब्रोंकस सीधे लाइन में रहता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड का ब्रोंकस। तो ये हमको देखना है, मोस्टली या तो ये सेंटर में रहता या तो फिर ये राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट रहता। क्यों शिफ्ट रहता? क्योंकि इसके नीचे एओर्टा रहता, तो एओर्टा उसको थोड़ा सा राइट साइड में पुश कर देता। तो नॉर्मली हमारा जो ट्रकिया है वो सेंटर में रहता है। तो ये हमको क्या आइडिया देता कि हमारा ये जो मीडियास्टिनम है, मीडियास्टिनम मतलब जो सीने के बीच का हिस्सा है, वो सेंटर में है। अगर ट्रकिया आपका इधर में शिफ्ट हो गया तो क्या कारण रह सकते, या तो इधर की कोई चीज़ उसको इधर में धकेल रही है या तो इधर की कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच रही है, बराबर। और अगर आपका ट्रकिया ये साइड में शिफ्ट हो गया तो यहाँ से कोई तो शिफ्ट धकेल रहा है या तो यहाँ की चीज़ उसको खींच रही है ना। तो ये हमको ट्रकिया को देख के भी बहुत बार पैथोलॉजी समझ में आती है, तो ट्रकिया देखना जरूरी है, सबसे पहले शुरुआत ट्रकिया से करने की। लेकिन इसके लिए हमको क्या देखना है,
कि पेशेंट रोटेटेड तो नहीं है। अगर आपका पेशेंट रोटेट हो गया तो ट्रकिया की पोजीशन पे कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, आपको एक्सरे रिपीट करना चाहिए ऐसे कंडीशन। ठीक है, तो हमने ट्रकिया देख लिया, ट्रकिया का पोजीशन देख लिया और उसमें हमने देखा है कि बाबा ये राइट साइड का जो है जो ज़्यादा स्ट्रेट रहता है और इसके कारण से राइट साइड के एस्पिरेशन ज़्यादा कॉमन रहते हैं। इसके बाद में अगर दूसरी चीज़ हम देखें तो ये हमने स्पाइनस प्रोसेस डिस्कस की थी, ये हमको बताते हैं कि सेंट्रल बराबर है या नहीं। इन्होंने क्या किया, एक्सरे को तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया, जो लंग्स फील्ड है, लंग फील्ड है इनकी, एक दो तीन हिस्से में डिवाइड कर लिया। इसको अपर जोन बोलते हैं, मिडल जोन और लोअर जोन। लोब क्यों नहीं बोलते, अपर लोब ऑफ लंग, लोअर लोब ऑफ लंग, क्योंकि लोब अलग रहते हैं। इसके जो तीन लोब रहते हैं राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में, वो एक्चुअली पीछे तक के रहता है। अगर मैं मेरे दिखाऊँ तो वो लंग्स पोस्टीरियर वाला यहाँ से लेके ऐसा ऊपर तक के रहेगा, तो हमको नहीं पता कि वो इन्फीरियर लोब का पैथोलॉजी है या फिर अपर लोब का पैथोलॉजी है। उसके लिए आपको लैटरल एक्सरे करने पड़ते हैं, है ना। तो बहुत बार जब हमको डाउट रहता कि बाबा ये निमोनिया जो दिख रहा है वो एक्चुअली कहाँ पे है, तो आपको लैटरल एक्सरे लेने पड़ते हैं। लेकिन एक्सरे पे कमेंट करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि जोन में है, है ना, अपर जोन में है, मिडल जोन में या लोअर जोन में। मोस्टली दो रिब के नीचे का हिस्सा अपर जोन, बीच के दो का मिडल जोन और सबसे नीचे वाला लोअर जोन, उस हिसाब से हमको बताना है। अगर समझो यहाँ पे आपको पैच दिखा तो आप क्या बोलोगे कि राइट साइड, राइट मिड जोन, है ना, ओपेसिटी इज देयर, मोस्ट लाइकली राइट मिड जोन निमोनिया, इस हिसाब से बोलेंगे, है ना। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड करिए। अब इसमें हम देखेंगे कि हार्ट का जो हम शेडो देखते हैं वो हमको देखना है कि कार्डियोमेगाली तो नहीं है। कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट आपका ज़्यादा डायलेट तो नहीं हो गया। अब हार्ट डायलेट हो गया तो उसके क्या कारण रहेंगे, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, कोई वॉल उसका लीक है, बड़ा सा वीएसडी है, माइटल रिगर्जिटेशन है जिसके कारण से वेंट्रिकल बड़े हो गए, है ना, या फिर एनीमिया का पेशेंट है और सीसीएफ में जा रहा है, तो उसके कारण से क्या होगा, उसका हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा और कार्डियोमेगाली बोलेंगे। कार्डियोमेगाली देखने के लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि साइज कैसे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो रिब्स के रिब टू ये दिख रहे हैं हम, है ना, ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस एट द लेवल ऑफ डायफ्राम अगर हम लेते हैं, और ये रेशो हार्ट का मैक्सिमम डायमीटर, इसको बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक रेशियो, मतलब हार्ट के डायमीटर से ये डायमीटर कितना है वो हमको देखना है। अगर ये 50% है तब तक के नॉर्मल है, अगर ये 50% से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि कार्डियोमेगाली है ना। बहुत से इसमें बच्चों में उन्होंने 0.5 की जगह 0.6 बोला है, अगर उससे ज़्यादा रहा रेशियो तो वो बोलेंगे कि कार्डियोमेगाली है। तो इसलिए हमको गिनना पड़ता है कि इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ कितना है, उस हिसाब से हम बताते हैं कार्डियोमेगाली है कि नहीं है। लेकिन इसमें कैच क्या है, एक्सरे कौन सा चाहिए, पीए व्यू चाहिए, है ना। एपी व्यू में आप कार्डियोमेगाली पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इसका एंगल बराबर है या नहीं। इसके अलावा कुछ एंगल्स होते हैं, ये क्या है, कोस्टल मार्जिन है, कोस्टल मतलब रिब्स है अपने, और ये क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम को क्या बोलते हैं, फ्रेनिक, तो इसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, दिस इज राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल। अब ये क्या है, ये सबसे डिपेंडेंट पोर्शन है चेस्ट का। अगर मैं खड़ा हूँ तो ये हिस्सा सबसे डिपेंडेंट पोर्शन है। तो अगर पानी भरता है छाती में तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, और यहाँ पे ये एंगल आपका ब्लंट हो जाएगा। अगर ये एंगल ब्लंट है तो प्लूरल इफ्यूजन है, समझे। और ये क्या है, दिस इज हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियो, और ये डायफ्राम को क्या बोलते हैं, फ्रेनिक। तो ये कौन सा एंगल हो गया, कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अब ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है, कभी कभी जब आपका राइट वेंट्रिकल बड़ा होता है तो वो इस डायरेक्शन में बड़ा होता है ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वो ऐसा जाएगा, और जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है तो वो ऐसे जाएगा, है ना, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। और जब राइट वेंट्रिकल बड़ा होता है तो इट गोज आउटवर्ड ओनली। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो आपका हार्ट इस तरीके से होता है और ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है। और अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, जैसे नॉर्मली भी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से बड़ा रहता है, तो ये एंगल थोड़ा सा अपना अलग दिखेगा, और जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा ये बहुत छोटा सा एंगल हो जाएगा, समझे। इसलिए हम कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखते हैं। बहुत बार मीडियास्टिनम के पास का अगर कोई वेसल्स बड़े हो जाए या फिर कुछ और चीज़ें रहे या फिर ये डायलिटेशन कुछ चीज़ों का रहे तो भी यहाँ पे हमको ऑब्लिटरेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसमें हम देखते हैं। कोस्टोफ्रेनिक में हम फ्लूइड देखेंगे और कार्डियोफ्रेनिक में हम देखते हैं कि वेंट्रिकुलोमेगाली कैसे हो रही, कौन सा वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है, राइट हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ मार्किंग्स है जो हमको आनी चाहिए, है ना। ये एक्सरे को देख लो, ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ से ऐसा एओर्टा निकल के पीछे गया है, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली एओर्टिक आर्च है एक्सरे पे, समझा। पल्मोनरी आर्टरी मोस्टली यहाँ पे रहती है, जैसे ही एओर्टिक आर्च रहता है ऐसे उसके बीच में से आपकी पल्मोनरी आर्टरी ऐसी जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती, लेकिन अगर समझो किसी डिसीज में पल्मोनरी आर्टरी डायलेट हो गई आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बल्ज दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम रहता है, हार्ट के चार चेंबर रहते हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ये हिस्सा आपका लेफ्ट एट्रियम को दर्शाता है और ये हिस्सा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल को दिखाता है। राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये सुपीरियर वेना कैवा है, इसलिए जब भी सेंट्रल लाइन डालते तो हम क्या करते, देखते हैं यहाँ पे आया है क्या, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे राइट एट्रियम रहता है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा रहती है, तो यहाँ पे अपना टिप होना चाहिए, बराबर। जब भी हम सेंट्रल लाइन डालते हैं, इंटरनल जुगलर डालते हैं, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल लाइन है उसका टिप यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे नीचे में क्या रहता है, इन्फीरियर वेना कैवा रहता है। अभी सुपीरियर वेना क्या हुआ, क्या इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये हार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी समझेगा। तो अम्बिलिकल वेनस कैथेटर डालते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि टिप इसका यहाँ पे होना चाहिए, डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर तक के चलेगा। तो जब भी हम ये सेंट्रल लाइन डालते हैं तो ये हमारा राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना क्या हुआ या इन्फीरियर वेना क्या हुआ के जंक्शन पे होना चाहिए। तो जब भी राइट एट्रियम बढ़ेगा तो ये बॉर्डर आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब भी लेफ्ट एट्रियल बढ़ेगा तो ये बॉर्डर बढ़ जाएगी, जब राइट वेंट्रिकल बढ़ेगा तो ये यहाँ पे बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ेगा तो ये इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल बढ़ेगा तब राइट वेंट्रिकल की ग्रोथ ऐसे होती है इस तरीके से, समझे। तो ये अपने को आइडिया देता है, अगर इसको हम पिक्चर के रूप में देखें तो इस प्रकार से, है ना, सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में आता, इन्फीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में आता, राइट एट्रियम ओपन होती राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, और ये आर्च ऑफ एओर्टा है वो निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, समझा। तो इस प्रकार से हमको एक्सरे पे फाइंडिंग दिखते हैं। अब एक 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 एक्सरे समझते हैं, ये एक्सरे में क्या दिख रहा है, जो राइट हमारा जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है वो ऑब्लिटरेट हो गया, मतलब क्या है ये राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। अब वो इफ्यूजन ब्लड है कि पस है कि सीरस फ्लूइड है वो एक्सरे पे बताना मुश्किल है, है ना। लेकिन बहुत बार यहाँ पे एयर के शेडोज दिखते हैं हमको, तो उस टाइम पे वो पस रहता है जिसके अंदर एयर पॉकेट्स रहते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। अब इसमें क्या लग रहा है, ये एक्सरे में क्या लग रहा है, ऑब्वियस क्या दिख रहा है ऐसा, ये एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट लंग ब्लैक दिख रहा है। और तो ये साइड का हम देखते हैं कि राइट साइड में थोड़ा सा हाइपर इन्फ्लेशन लग रहा है, लेफ्ट साइड का वो थोड़ा सा कम दिखता है, और ऐसा लगता है कि यह हार्ट इधर में शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके पहले हमको एक बार देख लेना चाहिए कि क्लेविकल बराबर से है या नहीं। अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, उसको पकड़ पकड़ के एक्सरे किया हुआ दिख रहा है ना, हाथ की सिंधु ऊपर पकड़ के रखे हुए। लेकिन ये एक्सरे जो है वो टिपिकल है राइट ब्रोंकस फॉरेन बॉडी का, है ना। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है कि ये अच्छा खेल रहा था, कुछ तो खा रहा था, अचानक से ठसका लगा और तब से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक्सरे आपको फॉरेन बॉडी इंडिकेट कर सकता है। ये ऐसे पेशेंट का तुरंत सीटी स्कैन कराना चाहिए और देखना चाहिए फॉरेन बॉडी है कि नहीं है। फॉरेन बॉडी है तो ब्रोंकोस्कोपी करके निकालना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली ये एक्सरे ऐसा था। अब आइडियल अगर हम देखेंगे फॉरेन बॉडी एक्सरे के लिए, तो उन्होंने बोला कि एक्सपिरेटरी फिल्म करो, मतलब पेशेंट जब एक्सहेल करता रहे तब आपने एक्सरे लेना चाहिए। पर ये पॉसिबल नहीं रहता बहुत बार बच्चों के इसमें, है ना। हमको देखना पड़ता है कि बच्चा अगर स्टेबल है, कोऑपरेटिव है, बड़ा है, तो ही वो कोऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो कहाँ एक्सपिरेटरी में करेगा। लेकिन आइडियली अगर हम देखें तो एक्सपिरेटरी फिल्म उन्होंने बोली है। अब ये एक्सरे में क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक दिख रहा है ना, पूरा ब्लैक है। और इसमें क्या फर्क है, ये भी तो ब्लैक है। इधर में हमको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये दिख रहे हैं लाइन, है ना। तो ये हाइपर इन्फ्लेटेड लंग है और ये जो है ये पूरी एयर है, यहाँ पे लंग नहीं है, ये पूरी हवा भरी है, ये निमोथोरैक्स है। तो लंग आ गया यहाँ का, फिर यहाँ का लंग आ गया नहीं, वो पूरा कोलैप्स हो गया यहाँ,
है ना, जो निमोथोरैक्स हुआ है उसने पूरे लंग्स को कोलैप्स कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, समझे। तो ये इसका पूरा ये साइड का इतना निमोथोरैक्स है, उसने थोड़ा सा हार्ट को भी उधर में ढकेल दिया है, समझे। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइडेड निमोथोरैक्स। इसमें हमको तुरंत ICD डालनी पड़ेगी, बराबर। अदरवाइज क्या होगा, ये इतना बढ़ता जाएगा, हार्ट को कॉम्प्रेस करेगा, उसका ब्लड प्रेशर भी फॉल डाउन हो जाएगा। वैसे ही जैसे आप इसको ICD डालोगे, निमोथोरैक्स ड्रेन हो जाएगा, लंग एक्सपांड हो जाएगा, बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। अब इसमें क्या पता चल रहा है, तो ये एरिया में हम देख रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है एंगल, एंगल में ये नहीं है, है ना, ब्लंट नहीं हुआ है, मतलब प्लूरल इफ्यूजन है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइडेड लोअर जोन निमोनिया। साथ ही हम क्या देख रहे हैं, लंग्स क्लियर है क्या, नहीं है, है ना, लंग्स भी हमको एजी दिख रहा है, मतलब इसको निमोनिया तो है ही, मतलब, लेकिन ये लोबार निमोनिया भी है साथ में, इसको लोअर जोन। अब इसमें हम अगर देखें नॉर्मल एक्सरे को, नॉर्मल एक्सरे में अगर देखें तो ये वाइट वाइट लाइन जो दिख रही है ये मीडियल 1/3 तक के ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ये जो वाइट लाइन दिखती ना यहाँ पे, ये पल्मोनरी वेसल्स है, तो ये मीडियल 1/3 तक के ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इसको ये एक्सरे में देखें तो ये यहाँ तक के बड़े हुए दिख रहे हैं, है ना। तो इसके दो कारण रह सकते हैं, या तो ब्रोंको निमोनिया है विथ लोबार निमोनिया, और साथ में सेकंड कारण रह सकता है कि उसमें फ्लूइड ओवरलोड के कारण भी ऐसे एक्सरे दिखते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरे क्या है, इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन वाइट वाइट हो गया है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ARDS का एक्सरे है ना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS है ना, उसका एक्सरे है। और यहाँ पे अगर आप एक्सरे पे कमेंट कर रहे हो तो आपको ET का भी भूलना नहीं, ET के ऊपर कमेंट करना है, और ये सेंट्रल लाइन दिख रही है पेशेंट की, है ना, इसके ऊपर भी कमेंट करना है, ये लीड दिख रहा है, चेस्ट लीड दिख रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर भी आपको कमेंट करना है। लेकिन ये यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, ये ARDS का एक्सरे है। अब ये दो एक्सरे सेम है क्या, क्यों नहीं सेम, हाँ, तो ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में, लेकिन पूरा दोनों तरफ के एंगल ब्लंट है, यहाँ पे पैथोलॉजी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है ना, पूरा व्हाइट दिख रहा है ना लेफ्ट साइड का, और ट्रकिया कहाँ गया, ट्रकिया गया राइट साइड में, ठीक है। मतलब ये ऐसी कोई चीज है जो इसको इधर धकेल रही है, है ना, इधर वह धकेल रही है, खींच नहीं रही है, ये साइड में हमको दिख रहा है, ये साइड में भरा हुआ दिख रहा है, और ये इसको इधर में धकेल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइड की पैथोलॉजी है, लेकिन ये इसको यहाँ पे खींच रहा है, देखा, यहाँ पे ट्रकिया सफेद बाजू के अपोजिट साइड में जा रहा है, तो ये मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है ना, इतना प्लूरल इफ्यूजन हो गया कि इसने मीडिया स्टेनम को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इफ्यूजन है, लेकिन मेन पैथोलॉजी क्या है यहाँ की, ये खींचने वाली पैथोलॉजी है, खींचने वाली पैथोलॉजी कौन सी रहती, कोलैप्स। तो जब राइट साइड का कोलैप्स हो गया तो उसका मीडियास्टिनम वहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये लंग थोड़ा सा ज़्यादा काम करने लगा, क्योंकि इसका काम तो बंद हो गया, तो इसके ऊपर प्रेशर आ गया, तो ये ज़्यादा फूल जाएगा, और ये पूरा कोलैप्स होने के कारण मीडियास्टिनम इधर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिखने में दोनों एक्सरे एक जैसे दिख सकते, लेकिन फ़र्क किससे पता चला, ट्रकिया से। अगर ये वाइट वाला पुश कर रहा है तो ये इफ्यूजन है, अगर ये वाइट वाला खींच रहा है तो ये कोलैप्स है, ठीक है। कोलैप्स के साथ में और क्या दिखेगा अपने को, जो रिब्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है मोस्टली, ये देखो, ठीक है, ये दो रिब्स पास पास में दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस साइड, है ना, तो रिब्स का क्राउडिंग हो जाता है, तो हमको क्राउडिंग दिखेगा, ट्रकिया का पुल दिखेगा, है ना, इफ्यूजन में पुश दिखे। अब ये एक्सरे में क्या फ़र्क दिख रहा है, ये ट्यूब देखो, अपन ने ट्यूब डाली और ये ट्यूब ऊपर चली गई, ये क्या इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेजियल अट्रेजिया क्यों है, क्योंकि आपने इसोफेजियल में ट्यूब डाली तो वो आगे गई नहीं, वो पलट गई ऊपर में, है ना। लेकिन इसके स्टमक में शेडो है, जो स्टमक तक हेयर गई है, हेयर कहाँ से गई फिर, है ना, पेट में हवा कहाँ से जाएगी, जब आप कुछ खाओगे पियोगे साथ में हवा जाती है, इसलिए वो पेट में हमको हवा दिखती है। इसका तो इसोफेगस बंद है ना, तो इसके बीच में हवा कहाँ से गई, वो हवा गई क्योंकि इसको ट्रकियो इसोफिजियल फिस्चुला है, तो जो ट्रकिया की एयर है
वो फिशुला के थ्रू पेट में गई है। तो एक्सरे देख के भी आप बता सकते हैं इसको इसोफेजियल एट्रेजिया के साथ में ट्रकी इसोफेजियल फिशुला भी है ना। अब से मैं एक्सरे पेशेंट है, ये ट्यूब यहाँ पे गई ऊपर गई लेकिन पेट में हवा आ गया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको प्लेन इसोफेजियल एट्रेजिया है, इसको ट्रकी इसोफेजियल फिशुला ही नहीं है। या फिर ट्रकी इसोफेजियल फिशुला है भी तो जो अपर ब्लंट पाउच है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर कम्युनिकेट किया तो यहाँ पे आपको एस्पिरेशन के नियम ये दिखेंगे लेकिन यहाँ पे गैस नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर लंग्स अच्छे हैं और ये यहाँ पे गैस नहीं है दैट मीन्स कि उसके साथ में ट्रकी इसोफेजियल फिशुला ही नहीं है, समझे। तो ये ट्रकी इसोफेजियल फिशुला में आपको यहाँ पे गैस मिलती है मोस्टली, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये वाइट वाइट क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि अपर जोन में हमको एक कोलैप्स मिल रहा है। कोलैप्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसोफेजियल एट्रेजिया है, वो बच्चा सिक्रीशन सॉलो नहीं कर पा रहा है। तो सिक्रीशन कहाँ जाएंगे? फिर थूक तो सकता नहीं वो, तो वो जाते फिर ट्रकिया में, है ना। तो इसलिए ऐसे बच्चे को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिवेट करते, लैटरल रखते, उल्टा रखते, ताकि जो भी सिक्रीशंस बन रहे हैं वो बाहर आ जाए और बच्चा एस्पिरेट ना करे। बहुत से सेंटर में वो क्या करते, एक छोटा सा सक्शन लगा के भी रख देते उसको, कि जो भी सिक्रीशंस आ रहे वो, हाँ, और जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अब ये एक्सरे में क्या दिख रहा है? हार्ट ही हार्ट दिख रहा पूरे छाती में उसका। अगर हम ये देखे तो ये बहुत ज़्यादा है, 2/3 से ज़्यादा तो हार्ट ही दिख रहा उसका, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे सीटी कार्डियोथोरेसिक रेशो अगर देखेंगे, है ना, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस, तो डेफिनेटली वो 0.6 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये कार्डियोमेगाली है। साथ में हम क्या देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे पूरे लंग्स उसके, ये क्यों है? क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो गया है। तो ये कार्डियोमेगाली विथ पल्मोनरी एडिमा का एक्सरे है। ऐसा क्यों हुआ? कार्डियक फेल्यूर में गया है, कार्डियक फेल्यूर में गया, है ना। तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल उसका पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट डायलेट हो गया है और जो भी उसके पल्मोनरी वेसल्स है, ना, उसमें कंजेशन आ गया, वो ड्रेन नहीं कर पा रहे, तो लंग्स में फ्लूइड भर जाता। तो ये कार्डियोमेगाली विथ पल्मोनरी एडिमा है, ना। CCF कब बोलेंगे? जब लीवर भी बढ़ जाएगा तो उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर बोलेंगे, मतलब राइट साइड का भी फेल्यूर हो गया, लेफ्ट साइड का भी फेल्यूर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें चेस्ट में दिख रहे हैं ऐसे गोले गोले दिख रहे हैं, है ना। ये गोले गोले पेट में चाहिए थे, ये ऊपर में चले गए। ये दिस इज डायफ्रामेटिक हर्निया है, ना। तो डायफ्राम का जो डिफेक्ट होने के कारण जो पेट के इंटेस्टाइन पेट में रहने चाहिए थे वो छाती में घुस गए। तो ये बच्चे का क्या इंपॉर्टेंस है इसको? इसको तुरंत ICU में एडमिट करना जरूरी है। इसको बैगन मास देने का क्या? नहीं, इसको कभी भी बैगन मास नहीं देने का। तो डिस्ट्रेस होगा तो क्या करेंगे फिर? अगर बच्चा सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, डिस्ट्रेस में है और आप बोल रहे कि बैगन मास नहीं देने का, तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट इंट्यूबेट करो, ठीक है। इसको बैगन मास नहीं देना। बैगन मास क्यों नहीं देने का? क्योंकि बैगन मास देते वक्त बहुत सारी हवा अपने इसोफेगस से स्टमक में चली जाती है और स्टमक मोस्टली यहाँ पे रहता, तो स्टमक खुलता जाएगा और स्टमक खुलेगा तो पूरा वो हार्ट को दबा देगा इस साइड में, तो बच्चा शॉक में चला जाएगा, उसको रिवाइव करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक ट्यूब डाल दो इसोफेगस में से, हवा एस्पिरेट करते रहो और अगर इंट्यूबेट करने, अगर बच्चा अगर ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पा रहा तो उसको इंट्यूबेट कर डालो, समझे। अभी इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है हमको? इसमें हमको दिख रहे कि लंग्स थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा ब्लैक लंग दिख रहा है उसमें, थोड़ा सा हमको ऐसे दाने दाने वाइट वाइट दिख रहे हैं। इसमें और ज़्यादा वाइट दिख रहे लंग्स, ठीक है। और ये काला काला बीच में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये पूरा ही वाइट दिख रहा है। तो ये क्या है? तीनों एक्सरे प्रीमैच्योर बेबीज के हैं, ठीक है। ये हाईलैंड मेम्ब्रेन डिसीज है, इसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलेंगे, ग्रेड 2 HMD बोलेंगे, ये ग्रेड 3 है और ये ग्रेड 4 है, ना। ये पूरा ही वाइट हो गया एक्सरे। ये क्यों हुआ है? प्रीमैच्योरिटी के कारण है, ना। तो ये सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी के कारण है, हाईलाइन मेम्ब्रेन डिसीज बोलते हैं उसमें, क्योंकि एक मेम्ब्रेन जैसा बन जाता लंग्स के अंदर। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? मदर को स्टीरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं। और ऐसा बच्चा अपने पास आया, उसका एक्सरे ऐसा दिखा, बच्चा प्रीमैच्योर है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, CPAP लगाने के बाद भी मेंटेन नहीं कर रहा, डिस्ट्रेस है, तो इसको क्या करना है? हमको सर्फेक्टेंट देना है। ये केस में सर्फेक्टेंट देंगे क्या? हाँ, ये केस में भी देंगे अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो। ये केस में देंगे क्या अगर बहुत प्रीमैच्योर है तो? हाँ देंगे, ठीक है।
बहुत प्रेमेच्योर है तो भी देंगे, क्योंकि वो बाद में डिटोरिएट होता है। लेकिन अगर समझो एक 34 वीक्स के करीब है, बच्चा स्टेबल है, उसको ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, सीपैप नहीं लग रहा है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, 6 घंटे बाद एक्सरे कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ऐसे एक्सरे का ऐसा हो गया तो सर्फेक्टेंट डाल देंगे, समझे। तो ये HMD का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि कितना सफ़ेद है लंग, उसके ऊपर से हम सर्फेक्टेंट का डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब ये एक्सरे कौन सा है, देखो इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एक तो एज का फ़र्क है, समझो ये पहले दिन का एक्सरे है और ये समझो 1 महीने के बच्चे का एक्सरे है। इसमें क्या फ़र्क दिखता है हमको कि ये चेस्ट काफ़ी फैली हुई है ना, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो गए हैं। इसमें हमको क्या दिख रहा है, डायफ्राम ठीक है, ये छोटे से ही दिखता है चेस्ट के। इसमें यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बड़ा डायफ्राम है, ये बहुत एक्सपांडेड है, डॉट डॉट दिख रहे हैं, ट्यूब दिख रही है। ये एक्चुअली ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है, क्रोनिक लंग डिसीज का एक्सरे है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चेस्ट हमको हाइपर इन्फ्लेटेड दिख रही है और लंग्स ख़राब दिख रहे है ना। तो कोई बच्चा अगर बहुत दिनों तक के वेंटिलेटर पे रहा, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही, तो ऐसा एक्सरे उसका मिल सकता है। इसको बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, क्रोनिक लंग डिसीज। यही अगर बूढ़े लोगों का रहा तो उसको COPD बोलते हैं, है ना। तो एक्सरे ऐसा रहेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड और ये चेस्ट के अंडर फाइंडिंग मिलेंगे, लेकिन एज का फ़र्क रहेगा। न्यूबॉर्न में देखेंगे तो उसको हम BPD बोलेंगे, और बूढ़ों में देखेंगे तो हम बोलेंगे उसको COPD है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट साइडेड निमोथोरेक्स दिख रहा है, और पूरा उसने हार्ट को इधर में शिफ्ट कर दिया। पेट में क्या दिख रहा, पूरी हवा भरी हुई है। ये बच्चा कैसा रहेगा, सिक रहेगा, शॉक में रहेगा। शॉक में क्यों रहेगा, क्योंकि इधर में कोलैप्स कर रहा है, ये लंग बेचारा दब गया, ये स्टमक भरा हुआ है, तो डायफ्राम को ऊपर नीचे होने की जगह नहीं है, है ना। तो ना उसका हार्ट ढंग से काम कर पाएगा, ना लंग कर पाएगा। इसको तुरंत ICD डालना जरूरी है, और पेट की स्टमक एस्पिरेट करने की ज़रूरत है ना, अदरवाइज ये बच्चे का बचना मुश्किल है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये जो ट्रक की, अगर हम ET ट्यूब देखे तो ये राइट साइड में घुस गई, तो उसके कारण से क्या हो गया, ये लंग्स तो वेंटिलेट हो रहा है पर ये कोलैप्स हो गए, सिंगल लंग वेंटिलेट। हाँ, तो इससे क्या होगा, ये बच्चा सिक रहेगा। आप इसकी ट्यूब खींचो, थोड़ा सा चेस्ट PT दो, तो वो लेफ्ट लंग अगर खुल गया तो बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्यूब आपकी यहाँ पे चाहिए थी थोड़ी सी, यहाँ पे ये थोड़ा सा हाइपर इन्फ्लेट हो गया। इसका लंग पहले भी खराब होगा, क्योंकि राइट साइड में ICD दिख रही है, तो राइट साइड का भी लंग नॉर्मल नहीं है उसका, है ना। बच्चा सीख है, बहुत ज़्यादा सीख है, लेकिन क्योंकि ट्यूब राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड का लंग कोलैप्स हो गया। इसको आप खींचो, थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन पे रखो, चेस्ट PT दो, पोजीशन दो, तो वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, पेशेंट को हम ET ट्यूब देख रहे हैं, लेकिन लंग्स कैसे दिख रहे, काले दिख रहे एकदम, है ना। काले क्यों दिख रहे, क्योंकि उन तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो ब्लड नहीं पहुंचने के कारण लंग्स काले दिख रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ओलिगेमिया, ओलिगो मतलब कम फ्लूइड, तो ब्लड ऑक्सीजन अपना जो लंग्स है उस तक के ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, तो इसको पल्मोनरी ओलिगेमिया बोलते हैं। तो ये कैसे, कौन से पेशेंट में दिखेंगे अपने को, आपको पास में पेशेंट आया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ है, आपने इंट्यूबेट कर दिया, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, आपको लगा लंग्स तो पक्का खराब होंगे इसके, पर एक्सरे करके देखा तो काले काले दिख रहे लंग, तो ये कौन सा डिसीज है। कंजनेटल हार्ट डिसीज से ज़्यादा ये मिलेंगे तुमको PPHN में, है ना, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर पल्मोनरी स्टिनोसिस है, जिसके कारण से तुम्हारा लंग्स की तरफ ब्लड ही नहीं जा रहा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे एक्सरे मिलेगा। इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है, ये एक्सरे में क्या फ़र्क दिख रहा है। अभी इसमें क्या हुआ है, ये हमने राइट साइड में देख लिया, तो राइट साइड में स्टमक के शैडो दिख रहे हो, लीवर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है, हार्ट भी हमारा इधर के साइड में दिख रहा है। अब या तो एक्सरे टेक्नीशियन ने लेवल गलत कर दिया, है ना, या तो फिर इसको साइटस इन्वर्सस है। साइटस इन्वर्सस मतलब सब ऑर्गन अलग डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब लीवर जो राइट साइड में रहना चाहिए वो लेफ्ट साइड में चला गया, हार्ट जो लेफ्ट साइड में रहना चाहिए राइट साइड में चला गया। कभी कभी क्या रहता, बाकी चीज़ें ठीक रहती, सिर्फ हार्ट उल्टा रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, है ना, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया या फिर साइटस इन्वर्सस के साथ में बहुत बार हार्ट के बहुत सारे डिसीजेस रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट का डिटेल इको या कभी कभी CT एंजियोग्राफी भी करना पड़ता है।
ठीक है, समझा? अभी बहुत बार रिप काउंट करने के लिए बोलते हैं, आते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये नॉर्मल लंग्स है। अगर वही मैं अगर 8, 9 भी गिन सकता था तो ये हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाता, ठीक है। तो कोई लोग एंटेरियर एंड गिनते हैं, कोई लोग पोस्टेरियर एंड गिनते हैं, जो हमने गिना है वो एंटेरियर है। अगर पोस्टेरियर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 है ना, 5, तो ये 9 होने चाहिए, 8 से 9 होने चाहिए, है ना, 6 से 7 या फिर 8 से 9। 6 से 7 अगर आपके एंटेरियर एंड है तो, और अगर पोस्टेरियर एंड आप गिन रहे तो 8 से 9 अगर ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स बोले। ये सब केजी है, ये यहाँ से ऐसे आइए और ये गए हैं, सबसे नीचे वाला, ये वाला सबसे नीचे, लास्ट ये वाला ना, हाँ हाँ, ये भी आपकी पोस्टीरियर रिब है, ये सबसे आखिरी वाली रिब है, ये इधर से आके यहाँ पे आगे नहीं आती, ये फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इसको, तो ये आगे चिपकती नहीं है, ये इसी में चिपक जाती है, ऐसे होती तो अपने यहाँ तक के केज बन जाता, तो पेट को जगह ही नहीं मिलती थी। तो ये डायफ्राम भी अपने को देखना रहता है, डायफ्राम अगर ये ऐसा डोम दिखता है हमको डायफ्राम का, ठीक है, अगर डायफ्राम स्ट्रेट हो गया, अगर हाइपर इन्फ्लेटेड रही तो हमने जैसा देखा कि अगर काउंट करोगे तो ज़्यादा रहेगा, डायफ्राम स्ट्रेट हुए जैसा हो जाएगा, और ये जो एरिया है ये भी ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आपको हाइपर इन्फ्लेटेड दिखता है। खास करके जो भी ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट्स रहते हैं, या फिर क्रोनिक लंग डिसीज़ के पेशेंट रहते हैं, या फिर वेंटी पे पेशेंट है और बहुत ज़्यादा पीप आप दे रहे हैं, लंग्स इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन पीप उतना ही जा रहा है, अगर पीप ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पे हमको दिखेगा कि डायफ्राम फ्लैट हो गया, ये यहाँ से थोड़ा सा डोम शेपेड हो गया, और ये हार्ट भी पिचक जाता है ना, खास करके अस्थमा के पेशेंट जो रहते हैं ना, तो हार्ट एकदम पिचक जाता है और लंग्स एकदम काले काले दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट, है ना। तो वो किसके कारण होता है, एम्फाइजिमा में हो सकता है, अस्थमा के कारण हो सकता है, या फिर वेंटिलेटर पर बच्चा है और आप हाई पीप दे रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है, ठीक है।